चलिए देखिए क्या करना था इसमें। अगर आप इसको ध्यान से देखो, किसको, रूट अंडर सेवन, तो ये क्या लिखा हुआ है? 7 की पावर, सबसे पहले में हाफ है, दूसरे में 7 की पावर हाफ इंटू हाफ है, और तीसरे में 7 की पावर हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ है। क्या ये बात दिखी सबको? बोलो भाई, क्या ये थर्ड बात वाला ठीक से ये समझ में आ रही है? तो ये टोटल क्या बन गया? 7 की पावर 1/2 + 1/4 + 1/8। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/8। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब आइए, ये है log of 7 base ((7)^7). ये 7/8 पावर से बाहर आएगा तो बन जाएगा log of 7 base (7/8), और अंदर 1 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा log of 7 base (7) - log of 7 base (8). ये 1 हो गया, तो 1 - 3 times of log of 2 base (7), ये आंसर हो गया। देखा पहला क्वेश्चन? चलिए अगले में आइए जरा। अगले में क्या है कि सीधे प्रॉपर्टी लगानी है। तो अगर आप log of 110 square base (10) देखेंगे तो ये हाफ बन जाएगा, ठीक है ना? फिर आप log of 2 square base (2) लिखेंगे तो ये बन जाएगा log of 2 base (half), और साथ में log of 2 base (2), तो ये क्या -1 आ रहा है। ऐसे अगर आप log of 4 base (log of 2 base) 256 को 2 की पावर 8 लिखेंगे तो ये 2 की पावर 16 बन जाएगा, ये आ जाएगा log of 4 base (16), तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ तक ओके हो कि नहीं हो बताओ? इसके बाद जब आप देखेंगे log of 8 base (4) को, तो ये बन जाएगा log of 2 square और ये 2 cube, तो ये तो 3/2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू आप लिखेंगे तो वो होगा 1/2, ये वाली वैल्यू -1, ये 2। बोलो भाई, समझ आ रहे हो कि नहीं? और ये डिनोमिनेटर में 3/2 + 2/3, इसी को आप सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा? -6/13 a आ गया, और -6/13 जो है वो ग्रेटर होता है किससे? -1/2 से। ए आंसर हो गया। देख लीजिए, सारे लॉग आपको सिंपलीफाई करके वैल्यू रखनी थी। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट आइए जरा 35 देखते हैं। fx ये दिया हुआ है, f(-2) निकालना है, तो x की जगह बस -2 रख दीजिए, तो log of 4 base (4/4) - 2 times of log of 4 base (4)(-2)^4 आ जाएगा। ये तो 1 हो गया, तो 0 बन गया, क्योंकि किसी बेस पर 1 की वैल्यू 0 होती है। -2 (log of 4 base), ये आ गया 4 की पावर 3, तो क्या आंसर? -6 आ गया। देख लीजिए भाई आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 37 में x और y में क्या ग्रेटर है, ये कंपेयर करना है। तो x हमें दिया हुआ है log of 5 base (3). लास्ट क्लास में बताया था ना, 5 को 3 बेस पे कंपेयर कर लेंगे, तो 5 की वैल्यू 3 से लेके 9 के बीच में होगी, तो log of 3 base (5) जो है वो 1 से 2 के बीच में आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में? तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। दिखा सबको? अच्छा, अब y में आइए जरा। y हमें दिया हुआ है log of 16 base (25), तो क्या हम इसको log of 4 base (5) लिख सकते हैं? 4 square 5 square, 2 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे 5 की वैल्यू वो जो है 4। अच्छा, 4 से 16
नहीं तो फिर अगर ये डायरेक्ट 5 और 5 सेम आ गया तब तो सीधा ही कंपेयर कर लो ना। आपको अब तो मतलब इसको भी करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या हुआ, ये भी जरूरत नहीं है। हमने क्या कर लिया कि वाई की वैल्यू ये निकाल ली। देखो ध्यान से, वाई ये आ गया। अब ऐसे समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि लॉग ऑफ 5 बेस 3 और लॉग ऑफ 5 बेस 4 दोनों में ग्रेटर क्या होगा, तो आप तुरंत मुझे बताएंगे 5 बेस 4 ग्रेटर होगा। ये तो कोई डाउट नहीं है, बेस सेम है, आया ना भाई, तो दोनों में ग्रेटर क्या, ये वाला ग्रेटर है। अच्छा, जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन log of 3 base 5 की जगह 5 base 3 हो जाएगा ये, और ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा log of डिनोमिनेटर 4 base 5 बन जाएगा। और तो अब साइन चेंज ये सही, साइन चेंज नहीं होगा, ये तो जस्ट हमने डिवाइड ही किया ना, इसको तो हमने जस्ट 1 अपॉन 1 अपॉन किया, तो सेम ही चीज लिखी है ना अभी। अच्छा, अभी क्या है कि ये क्या लिखा है x और ये क्या लिखा है y, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 अपॉन x is less than 1 अपॉन y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई। तो x किससे ग्रेटर आ गया भाई, से ये हमें चाहिए था, दिखा क्या भाई, ये आंसर हो गया। नहीं समझे, हमने क्या किया, दोनों को थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, जैसे ही सिंपलीफाई किया हमें दोनों 5 पे मिल गए, इसके बाद तो हम आराम से कंपेयर कर लेंगे ना। नहीं समझे, बोलिए भाई। 37 डन सर, 37 का सी बता रहा है। सी कैसे बता रहा है भाई, 37 का आंसर सी नहीं, ए है। यही बता रहा है सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे यहाँ पे 5 और 25 मतलब उसके बेस सेम हो गए थे सर, अगर बेस सेम ना हो तो फिर कैसे करेंगे? फिर बेटा कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ तो सेम करेगा ना, जिसपे आप कंपेयर कर पाएंगे। वैल्यू निकालने का कुछ ना कुछ तो लॉजिक दिया ही होगा ना, इसमें ये लॉजिक दे दिया कि बेस सेम कर दिया, वरना कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यूज दी होंगी जिनकी वैल्यूज आप कंपेयर कर पाएंगे। आर्बिट 2 log कंपेयर करने को नहीं दे दिए जाएंगे ना, उनकी वैल्यू निकालने का, उनको कंपेयर करने का कोई ना कोई तरीका आपको दिया होगा ना, जिसकी हेल्प से आप उसको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना? ओके सर। मतलब आर्बिट से 2 log नहीं दे दिए जाएंगे जिनकी वैल्यू पॉइंट में आ रही होगी और आप उनको, ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी वैल्यू को कंपेयर करने का कोई ना कोई वे क्वेश्चन में आपको जरूर दिया जाएगा, जिसकी हेल्प से आप उनको कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है ना? लॉग की वैल्यू निकाल के उनको कंपेयर कभी नहीं किया जाएगा, ठीक? यस सर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डाउट पे आइए जरा। इस पे तो सीधा ए और बी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं मेरे हिसाब से, क्या कहते हो? अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स बेस ए बी अपॉन लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ये इसको डिनोमिनेटर में ले आया मैं और इसको मैं न्यूमरेटर में ले गया, तो दोनों में इन दोनों को चेंज कर दिया मैंने। और अब इसको तो आराम से हम लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस बी, और इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बेस एक्स। तो ये 1 plus log of b base x अपॉन लॉग ऑफ ए बेस एक्स बन गया, इसी को हम 1 plus log of b base a लिख दिया, आंसर आ गया। ये है ना ऑप्शन में कोई, बोलो भाई, देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। समझ गए कि नहीं भाई? गुड। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 टाइप की सिचुएशन में आ जाते हैं, सही है ना? 39 में क्या कह रहा है कि a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, ए बी प्लस 5 times ऑफ a माइनस बी चाहिए। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि a को सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं log 18 अपॉन log 12। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है। इसके बाद इसको आप लिख देंगे log ऑफ 2 into 3 square, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। इसको आप लिख देंगे 2 square into 3, ये बन जाएगा log 2, बेस सेम रखते हुए log 3, मतलब 2 log 3 डिवाइडेड बाई 2 log 2 plus log 3। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, ऐसे जब हम देखेंगे b क्या लिखा हुआ है, तो b को अगर हम देखेंगे तो इसको लिख देंगे log 54 अपॉन log ऑफ 24। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको हम लिख देंगे log ऑफ 2 into 3 cube, और इसको लिख देंगे log of
टू क्यूब इंटू थ्री, ये बन जाएगा लॉग टू प्लस थ्री लॉग थ्री, और ये बन जाएगा थ्री लॉग टू प्लस लॉग थ्री। ये समझ में आया कि नहीं? अब ए और बी में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हर जगह हमको लॉग टू लॉग थ्री लॉग टू लॉग थ्री के टर्म दिख रहे हैं। तो हम सिंपल सी काम करेंगे कि यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, लॉग टू बाई लॉग थ्री की। समझ में? अब हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे किसकी, वैल्यू ऑफ लॉग टू बाई लॉग थ्री और आंसर निकाल लेंगे। सिंपल थॉट हम लगाएंगे, अब हम लॉग टू बाई लॉग थ्री की वैल्यू निकाल के उसको कंपेयर करेंगे और सिंपलीफाई करके सॉल्व कर देंगे। प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं क्या करना है? अब पहले वाले से लॉग टू बाई लॉग थ्री निकालो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, टू ए लॉग टू प्लस ए लॉग थ्री इक्वल टू लॉग टू प्लस टू लॉग थ्री। सही लिख रहा हूं मैं? तो यहां से लॉग टू जब कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, टू ए माइनस वन, और यहाँ लॉग थ्री कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, टू माइनस ए। देखते जाइएगा कैलकुलेशन पूरा, बोलो भाई। तो यहाँ से log 2 बाई log 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस ए अपॉन 2 ए माइनस वन। ऐसे ही सेकेंड वाले को अगर हम देखें ध्यान से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बी log 2 प्लस बी log 3 इक्वल टू log 2 प्लस 3 log 3। तो यहाँ से log 2 के साथ आएगा 3 बी माइनस वन, और यहाँ पे log 3 के साथ आ जाएगा 3 माइनस बी। तो यहाँ से log 2 बाई log 3 क्या आ जाएगा, 3 माइनस बी अपॉन 3 बी माइनस वन। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, बस खत्म। तो 2 माइनस ए, 2 ए माइनस वन, 3 माइनस बी एंड 3 बी माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ रहा है, 6 बी माइनस टू, देख लो भाई, एंड माइनस थ्री ए बी प्लस ए इक्वल टू सिक्स ए माइनस थ्री माइनस टू ए बी प्लस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो यहाँ से क्या आया, ए बी सबको एक तरफ ले आओ प्लस फाइव टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू वन आ रहा है। देखो इसी की वैल्यू चाहिए थी कि नहीं, ए बी प्लस फाइव टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, इसकी वैल्यू वन आ गई। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन करने का तरीका क्या था, बोलिए। अच्छा, इसी में आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपसे ये कर देगा कि इफ a इक्वल टू log 18 बाई 12 देन फाइंड log, मतलब इसी की वैल्यू आपसे पूछ ली, सपोज 54 बेस यही वाला 24 इन टर्म्स ऑफ a, तो इसमें भी सेम तरीका लगाएंगे। सबसे पहले इसी को सिंपलीफाई करेंगे, तो इसको तो आपने पूरा सिंपलीफाई अभी किया ही है ना, ये बोलो भाई। तो इसको सिंपलीफाई करके आप क्या निकाल लेंगे, log 2 बाई log 3, तो इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 2 माइनस ए अपॉन 2 ए माइनस वन। फिर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, सही है ना, तो log 54 बेस 24 को सिंपलीफाई करके आपने क्या लिखा है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसमें चूंकि हमें log 2, अरे इसमें चूंकि हमें log 2 और log 3 की वैल्यू रखनी है, दिख रहा है कि नहीं सबको, इसमें हमें किसकी वैल्यू रखनी है भाई, log 2 log 3 की वैल्यू रखनी है, log 2 बाई log 3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए। तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो हम log 3 से क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है ना, सिंपल प्रोसेस है। तो थ्री इंटू log 2 बाई
लॉग थ्री और प्लस वन। अब लॉग टू बाई लॉग थ्री जहां जहां आ रहा होगा वहां वहां इसकी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर देंगे। अब आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, टू माइनस ए प्लस थ्री टाइम्स ऑफ टू ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाई थ्री टाइम्स ऑफ टू माइनस ए प्लस टू ए माइनस वन। एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर दिया, दिख रहा है कि नहीं। तो सिक्स माइनस ए मतलब फाइव ए माइनस थ्री और ये आ जाएगा सिक्स माइनस वन और माइनस थ्री ए और प्लस टू ए, ये तो फाइव ए माइनस वन अपॉन फाइव माइनस ए, ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। देखिए सबसे पहले अगर हम पहला वाला लॉग सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं लॉग 18, मतलब लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3, 12 मतलब 2 लॉग 2 प्लस लॉग 3, देख लीजिएगा। अच्छा बी को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो लिख सकते हो 2 लॉग 5 अपॉन लॉग 2 प्लस लॉग 5। चलो अब हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, अगर हम उस टर्म को ध्यान से देखें तो हमें वैल्यू चाहिए लॉग ऑफ 15 बेस 18 की, मतलब इसको हम लिख सकते हैं लॉग 3 प्लस लॉग 5 होल डिवाइडेड बाई लॉग 2 प्लस 2 लॉग 3, ये हमें चाहिए। देख लीजिए आराम से भाई, दिखा सबको, हाँ या ना बताइए। अच्छा अब देखो ध्यान से, लॉग थ्री और लॉग टू का रिलेशन हमको पता हो जाएगा यहाँ से, लॉग टू और लॉग फाइव का रिलेशन यहाँ से पता हो जाएगा, यानी दोनों में कॉमन रिलेशन लॉग टू का ही है। तो हम लॉग टू से इस इक्वेशन को ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड। लॉग टू ही क्यों डिसाइड हुआ, ये समझ में आया, बताओ। तो लॉग थ्री बाई लॉग टू लॉग फाइव बाई लॉग टू डिवाइडेड बाई वन प्लस टू लॉग थ्री बाई लॉग टू। अब क्या हम लॉग थ्री बाई लॉग टू निकाल सकते हैं पहले वाले रिजल्ट से, और लॉग फाइव बाई लॉग टू भी निकाल सकते हैं दूसरे वाले रिजल्ट से। दोनों वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आया, करना क्या है भाई, बताओ, बोलिए भाई। हमने लॉग टू से ही क्यों डिवाइड किया, ये डिसाइड हुआ क्योंकि पहले वाले में भी लॉग टू है लॉग थ्री के साथ, दूसरे वाले में भी लॉग टू है ना। तो यहाँ से हम log 5 log 2 का रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से हम log 3 log 2 का रिलेशन निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड करके सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई भाई, बस अब आप पहले वाले से रिलेशन निकाल लो। अब पहले वाले को हम सिंपलीफाई करते हैं, जब हम पहले वाले को सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2a log 2 plus a log 3 equal to log 2 plus 2 log 3। तो यहाँ से आएगा 2a माइनस 1 इंटू लॉग 2 इक्वल टू 2 माइनस ए, ये तो इससे पहले भी निकाला ही था ना मैंने, तो बट हमें चाहिए क्या, लॉग 3 बाई लॉग 2 चाहिए। तो क्या ये 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ए आ जाएगा, बोलो भाई। ऐसे यहाँ से आओ इस पे देखो, इस पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू लॉग 2 प्लस b इंटू लॉग 5 इज इक्वल टू 2 लॉग 5 आ जाएगा। यहाँ से हम लॉग 2 लॉग 5 कॉमन करेंगे तो साथ में आ जाएगा 2 माइनस b इक्वल टू b लॉग 2 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, लॉग 5 बाई लॉग 2 चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही, बताओ, b अपॉन 2 माइनस b मिल रहा है क्या, बताओ, बोलो। अब बस ये उठा के आप अपनी इक्वेशन में रख दीजिए, सही है ना। 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ए b अपॉन 2 माइनस b अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस ए आ जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सिंप्लीफाई, मैं करूं, समझ गए कि a और b के टर्म्स में, a और b के टर्म्स में वैल्यू निकाल लिया आपने। ये भी किसी ने पूछा है क्या, बताओ जल्दी से, क्या डाउट है बेटा, बी के बीच में ये नीचे वाला जैसे ट्रिपल कर देंगे। जैसे सबसे पहले का आप 20 को हम क्या लिखेंगे, 20 जो है 9 और 9 से 27, अब log 3 बेस 20 जो कि 3 1 से बड़ा 3 से 2 हां
इसका मतलब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1/3 से 1/2, तो इसी का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे ना सीधा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, 1/3 से 1/2 लॉग ऑफ 20/3, 1/3 से 1/2 आ जाएगा, और इसी को आप उठा के रिवर्स करके लिख देंगे, हो गया कि नहीं आंसर में? Yes. यही तो वैल्यू हो गई ना वो लॉग ऑफ 20/3, ये कहाँ से कहाँ हो गया, 1/3 से 1/2, स्ट्रेट क्वेश्चन है नहीं क्या? कंपेयर करने के लिए कोई ना कोई लॉजिक तो क्वेश्चन में दिया ही होगा।